हमारे सबके दैवत, हमारे आदरणीय हमारे नेता शरद पवार जी साहब, आदरणीय शरद पवार साहब के हम सब लोगों ने प्रणाम करते हुए आशीर्वाद उनसे मांगे। आदरणीय पवार साहब ने किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं दी, हमारी बात को सुना। हमारे सबके दैवत, हमारे आदरणीय हमारे नेता शरद पवार जी साहब को मिलने यहां पर यशवंतराव चव्हाण सेंटर में माननीय अजीत दादा पवार, माननीय छगन भुजबळ जी, माननीय दिलीप वळसे पाटील, माननीय हसन मुश्रीफ जी, माननीय धनंजय मुंडे, माननीय सुनील तटकरे जी और सभी हमारे बाकी के भी मंत्री और हमारे उपाध्यक्ष झिरवळ साहब सभी आज यहां पर आदरणीय शरद पवार साहब मौजूद हैं, ऐसा हमको मालूमात मिली। तो हम श्री अजीत पवार साहब के बंगले पर बैठे थे, तो जैसे ही हमें समझा कि यहां पर साहब बैठे हैं, तो हम सब लोग यहां पर बिना पवार साहब को सूचित किए हुए यहां पहुंचे। आदरणीय शरद पवार साहब के हम सब लोगों ने प्रणाम करते हुए आशीर्वाद उनसे मांगे और उनसे विनती भी की कि उन्होंने हम सब लोगों की जो एक इच्छा है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एक साथ रहे और मजबूती से आगे काम करे, इसके लिए हमने विनती की और साहब को ये भी कहा कि आप इस दिशा में अवश्य विचार करें। आदरणीय पवार साहब ने किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं दी, हमारी बात को सुना और उसके पश्चात हम सब लोग यहां से अब प्रस्थान कर रहे हैं। बस इससे ज्यादा आज के लिए हमारे पास न कोई आपके पास न जवाब है न प्रश्न हम आपके लेने वाले हैं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी, अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।